और ताकतवर बनाएगा चंद्रयान 2। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान, भारत का स्वदेशी यान चंद्रयान 2 के लॉन्च होते ही भारत कई देशों से आगे निकल जाएगा। ये पहला यान है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसके लॉन्च होते ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। 978 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 15 जुलाई को तड़के 2:51 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। ये यान सितंबर में स्वदेशी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडर चांद की सतह पर भ्रमण करेगा और रोवर मिट्टी आदि के नमूने इकट्ठा करेगा। आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई देश नहीं पहुंच सका है और भारत यहां अपने यान को उतार कर एक नया इतिहास रचेगा। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंचती हैं, इसलिए यहां का तापमान बहुत कम होता है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-MK टहल रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस यान के प्रक्षेपण के लिए 7 जुलाई को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर GSLV Mark 3 को स्थापित कर दिया गया है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी और ऐसी उम्मीद है कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर बर्फ की खोज करेगा। अगर इस यान से बर्फ की खोज हो पाती है तो भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के रहने की संभावना बढ़ जाएगी। चंद्रयान 2 अपनी लॉन्चिंग के करीब 50 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होगा और ये यान अगले 14 दिन तक चंद्रमा की सतह से डेटा जुटाएगा। चंद्रयान 2 6 या 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। ऐसा होते ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला 4th देश बन जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्से में अंधेरा रहता है। यहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर्स भी हैं और इनके गड्ढों का तापमान -250 डिग्री के आसपास होता है। इतनी ठंड में लैंडर और रोवर का ऑपरेट करना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा माना जा रहा है कि इन क्रेटर्स में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और अगर चंद्रयान 2 इस बर्फ की खोज कर लेता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भविष्य में यहाँ लोगों के रहने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत के लिए गर्व की बात है कि 10 साल में दूसरी बार चांद पर मिशन भेज रहा है। चंद्रयान 1 2009 में भेजा गया था, हालांकि उसमें रोवर शामिल नहीं था। चंद्रयान 1 में केवल एक ऑर्बिटर और इंपैक्टर था जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। इसको चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 1 भारत के 5, यूरोप के 3, अमेरिका के 2, बुल्गारिया का 1 पेलोड लेकर गया था। चंद्रयान 2 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाएगा।